नमस्कार दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये हिंदी में लेकर आया हूँ। इससे पहले मेरे वीडियोस कुछ और भी लैंग्वेज में आते थे। तो बात ये है कि आज जो टॉपिक नेशनल इनकम लेकर आया हूँ, इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, इसमें ये जो कोर्स मैंने बनाया है, इसमें मैंने कोशिश किया है कि जो लोग मतलब अभी के अभी शुरू किए हैं, जिनको इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और फिर कुछ लोग एक दो महीने या फिर ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इंटरमीडिएट लेवल में थोड़ा नॉलेज है उनको, और कुछ लोग ऐसे भी हैं मतलब जो एडवांस लेवल में पहुँच चुके हैं, एक दो साल से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि मेरा मानना है कि शायद आपको कुछ किताब वगैरह में मिले हो या नहीं मिले हो। तो मेरे ये वीडियो ये बेसिक लेवल में जिन लोगों ने स्टार्ट किया है उनके लिए, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों लोगों के लिए है। तो शायद वीडियो में आपको कुछ जगह लगे यार ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये तो हम पहले एक साल पहले से ही जानते हैं, अब देखने का क्या फ़ायदा। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप ये कृपया ये वीडियो आखिर तक देखें। आपको शायद एक बार में वक्त ना मिले, दो बार, तीन बार या चार बार में देख लें। तकरीबन ये वीडियो 40 से 50 मिनट तक का लंबाई होगा। तो मैंने ऐसा भी कुछ इस वीडियो में मैं दूंगा जो कि आपको बहुत ही काम आएगा, शायद आपको पता हो या फिर नहीं पता हो। मेरा कहना यह है कि आपके ये वक्त जाया नहीं जाएगा। तो ज़्यादा बातें करते ना हुए शुरू करते हैं। पहले तो ये बात है, इकोनॉमी या अर्थशास्त्र क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए, आप अगर सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, आप UPSC हो या फिर अपने स्टेट के PSC हो, जैसे कि मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो या छत्तीसगढ़ का हो, जहाँ का भी हो, बिहार का, पटना मतलब झारखंड का, तो देखिए इकोनॉमी का नॉलेज आपको आना ही आना है। अगर आप थोड़ा क्वेश्चंस जब SSC अपना मतलब ऑफलाइन एग्जाम लेता था, तब जो क्वेश्चंस आपको मिले होंगे या फिर आप ऑनलाइन से डाउनलोड करेंगे, तो देखेंगे उसमें ऐसा ऐसा थोड़ा अंदर की बात है मतलब इकोनॉमी का, जो कि आपको नॉर्मल बुक्स या NCERT में नहीं मिलेंगे। लेकिन वहां से एक हाई लेवल का इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि CGL की बात में कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा जो नेशनल इनकम रिलेटेड टॉपिक से आएंगे। अच्छा, और एक बात ये है, इकोनॉमी के नॉलेज के बगैर अगर आपको लगता है कि आप पास कर जाएंगे या फिर चलो संभाल लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको आज या फिर एक साल बाद ही पता चलेगा। तो ये कोर्स बनाने के लिए मैंने फॉलो किया है ये वाला बुक, इंडियन इकोनॉमी, मिश्रा पुरी वाला जो लिखा गया है, और फिर मैंने फॉलो किया है इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह जी के बुक, और वगैरह NCERT और बहुत सारे बुक्स हैं, और एक बंगाली बुक भी फॉलो किया है। तो फिर जो भी है, चलिए धीरे धीरे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो नेशनल इनकम में मैं थोड़ा पहले बेसिक्स वगैरह का थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। तो देखिए, पहले बात आता है कि इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक्स वगैरह है, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की बात मैं करूंगा। तो नया इनकम मतलब इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक होता है। कैपिटलिस्टिक मतलब कैपिटल यानी पूंजी, यानी प्रिंसिपल यानी मनी। ये जो मतलब जिनके पास पैसा होगा या फिर जो बिजनेसमैन है, वही मार्केट और देश को मतलब ये इकोनॉमी को चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करके, यानी मार्केट में डिमांड होगा और ये लोग जो बिजनेस हाउसेस हैं, ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई करेंगे, और इसी के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज का भाव या फिर कीमत तय किया जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि डिमांड कुछ चीज का घट गया है, तो बढ़ाने के लिए ये लोग सप्लाई रोक मतलब रोक देंगे। जब सप्लाई नहीं रहेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तब ये लोग सप्लाई करेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल डिमांड ये लोग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बिजनेस हाउसेस या फिर जो लोग ये मतलब एंटरप्राइजेस वगैरह वगैरह ये सब हो सकते हैं, या फिर वो लोग मतलब डिमांड को घटाने के लिए सप्लाई इतना बढ़ा देंगे कि डिमांड ही नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे कि अभी क्या होता था, पहले 250 रुपए में 1 GB का डेटा मिलता था, एक महीने चलता था,
और बहुत पहले इस खत्म हो जाता था, ऑटोमेटिक हो जाता था, नहीं आपने वीडियो देख लिया, आपका डेटा इसलिए कट गया, ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अभी जियो आने के बाद क्या हुआ है कि वो लोग हर रोज 1 GB दे रहे हैं, तो कहाँ कितना खर्चा होगा, या फिर अभी तो 1.5 GB 2 GB भी पैकेज आ चुका है। तो मेरा मतलब ये है कि देखिए डिमांड और सप्लाई में बैठ के ये पैसे वाले लोग या फिर जो बिजनेस हाउसेस हैं ये लोग मार्केट को चलाएंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट या फिर देश की सरकार जितना हो सके कम इंटरफेयर करेगी, यानी मिनिमम इंटरफेयरेंस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसमें अपना नाक या टांग नहीं घुसेगी, बिजनेस ऐसे ही चलेगा और देश भी ऐसे ही चलेगा। तो इसको कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जब इंसान या फिर बिजनेस हाउसेस, सभी नहीं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत लालच के शिकार हो जाते हैं, वो लोग ज्यादा डिमांड बढ़ाते हैं, सप्लाई घटा देते हैं, और अल्टीमेटली कैपिटलिस्टिक सिस्टम में रिसेशन आ जाता है, मतलब कि डिमांड बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, फिर एक जगह मार्केट सेचुरेशन हो जाता है, मतलब उसके बाद और डिमांड नहीं मिलेगा, सबके पास जियो है, सबके पास 2 GB डेटा है, अब उसके ऊपर से कोई 2 GB डेटा नहीं खरीदेगा, हर रोज का हर दिन का 1 GB 2 GB डेटा खत्म हो जाता है। तो इसलिए एक जगह मार्केट सेचुरेशन हो जाता है, तब आ जाता है रिसेशन, यानी मतलब वो देखा जाए तो इसमें मतलब डिमांड नहीं होता है, फिर सप्लाई भी घट जाता है और फिर नुकसान हो जाता है, ये चलते रहता है। इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल, मतलब कि पहले इन्वेस्टमेंट होगा, फिर बिक्री होगी, फिर उसका सेचुरेशन आ जाएगा, फिर बिक्री नहीं होगी, फिर नुकसान होगा, ये सब चलते रहता है, ऐसे ही चलते रहता है। तो इस इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद आता है स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा है। स्टेट इकोनॉमी में कहा जाता है जो मतलब सारे जो मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि देश का जो अगर मान लीजिए कि स्टील बनाया जा रहा है, तो स्टील कैसे बनाएगा, स्टील के लिए पहले आयरन लगेगा, फिर आयरन को मतलब कोयला से गर्म किया जाएगा, उसको मतलब प्रोसेस किया जाएगा, फिर लगेगा लेबर, ये सब चीज को कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देश का या राष्ट्र का ये सारी चीजों पे कंट्रोल होगा। जैसे कि अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो जिनके पास स्टील फैक्ट्री है वो हर रोज प्रोसेस करते हैं कि आयरन का जितना भी मतलब खदाने हैं ये सब इनके कंट्रोल में आ जाए, कोल की खदाने इनके कंट्रोल में आ जाए, तो फिर क्या होगा, आयरन निकलेगा, कोल निकलेगा, यहाँ से ये लोग लेंगे, स्टील बनाएंगे, बेचेंगे और प्रॉफिट करेंगे। इसीलिए जब मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री या फिर जो मतलब डेवलप्ड कंट्री नहीं है जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे ये सब चीजों पे मतलब अपना हक जमाने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, तभी आपको सुनने को मिलेगा कोयला खदान बंटन मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन मामले में धोखाधड़ी हुई है, या फिर कोल के लिए हुआ है, या फिर आयरन के लिए हुआ है, या फिर 2G स्कैम हुआ, जितने भी स्कैम होंगे सबका कोशिश एक ही है कि देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है यानी आयरन कोल जो भी है, इन सब पे अपना हक जमाओ, उसके लिए चाहे जो भी चाहे करना पड़े, सब बिजनेस हाउस ऐसे नहीं करते लेकिन ज्यादातर से ज्यादातर यही करते हैं, इसलिए ज्यादातर ज्यादा स्कैम इस चीजों पर दिखा जाता है। डेवलप कंट्री में भी स्कैम होता है लेकिन इस चीजों के लिए नहीं, उसके लिए अलग से स्कैम है। तो स्टेट क्या कहता है, स्टेट इकोनॉमी में कहा जाता है कि देश की जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सब इनके हैं, यानी कि अगर एक मतलब देखा जाए एक मतलब मतलब किसान अगर खेत में अपना 100 किलो का आलू मतलब पोटैटो पैदा करता है, और स्टेट इकोनॉमी में कहा जाता है कि किसान के घर में सिर्फ 4 ही आदमी हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा 10 किलो लगेगा, तो स्टेट क्या करता है 10 किलो उसके पास छोड़ के 90 किलो ले लेता है और दूसरे लोगों या दूसरे देशवासियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन वहां पे क्या होता है स्टेट इकोनॉमी में इतना कंट्रोल होता है कि सारे चीजें सही तरीके से चल नहीं पाते हैं, वहां पे डिमांड और सप्लाई का काम नहीं चलता है, और फिर कुछ दिनों बाद ये स्टेट इकोनॉमी नहीं चलता है, बिल्कुल बकवास हो जाता है। मतलब बकवास मतलब कॉन्सेप्ट बकवास नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि सबको सही तरीके से मतलब समान तरीके से मिलेगा, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होगा, लेकिन ये चल नहीं पाता है। इसकी उदाहरण है कि रशिया, जहाँ पे ये स्टेट इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा था, तो रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया टूट गया, पहले USSR था यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया था, अब सिर्फ रशिया मतलब वो टूट गया है, कजाकिस्तान यूक्रेन निकल चुका है, क्योंकि स्टेट इकोनॉमी में कोई भी चल नहीं सकता है।
तो फिर हमारा इंडिया में क्या होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कुछ पॉजिटिव चीजें लिया जाता है और स्टेट इकोनॉमी का कुछ पॉजिटिव चीज लिया जाता है, फिर दोनों मिला के किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट और सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों साथ साथ ही अपना काम करते हैं, यानी थोड़ा मार्केट और डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी काम तो होता है, और यहाँ पे स्टेट उन लोगों को भी देखता है जहाँ पे मतलब जिन लोगों के पास खाना नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए हमें मिलता है गैस की सब्सिडी, यानी हम लोग मतलब इकोनॉमिकली कमजोर है तो फिर हम लोग गैस में सब्सिडी हमको मिलता है या फिर केरोसिन में मिलता है, जो भी चीजें में मिलता है, किसी को तो मतलब वो जो पेंशन वगैरह मिलते हैं सीनियर सिटीजन वगैरह, ये सब चीजें स्टेट इकोनॉमी प्रोवाइड करता है और कैपिटलिस्टिक का अच्छा मिला के दोनों मिला के ये सब इकोनॉमी चलते रहता है। अच्छा सेक्टर सपोर्ट एंड इकोनॉमी, अगर आपको सवाल आए क्वेश्चन मतलब एग्जाम में जो हमारे देश या फिर इंडिया में कौन सी इकोनॉमी चलता है, तो आप बिल्कुल बेझिझक लिख दीजिए हमारा देश में चलता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी में एग्रीकल्चर या फिर अलर्ट सर्विसेज, यानी कि देखा जाए तो एग्रीकल्चर या मछली पकड़ना या फिर फूड प्रोसेसिंग, ये सारे चीजें जो एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है, और फिर जो माइनिंग होता है मतलब खदान में कोयला लोहा या फिर ये सब जो उठाते हैं, तो वो चीजें भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर में ही तय किया जाता है, लेकिन कुछ देशों में माइनिंग सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन इंडिया में हमारे देश भारतवर्ष में एग्रीकल्चर के अंदर यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही माइनिंग को काउंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो चीज ये जो कोयला या फिर लोहा लेके जो स्टील बनाया जाता है उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, यानी गाड़ी बनता है, ये बोर्ड कहीं बना है, ये पेन कहीं बना है, ये मोबाइल कहीं बना है, ये सब जो सारी चीजें बनते हैं और मतलब मैन्युफैक्चर होते हैं, इसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और एक सेक्टर आता है जिसको कहा जाता है टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विसेज, यानी कि देखा जाए तो आप अगर ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन आपको सर्विस देता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उसको कहा जाता है, या फिर आपने जियो या फिर कोई तो और मोबाइल रिचार्ज किया तो उन लोगों ने आपको डेटा यानी इंटरनेट दे रहा है या फिर कॉल करने की सुविधा दे रहा है, आप जो वीडियोस देख रहे हैं ये फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एक सर्विस है, ये सारी चीजें मिला के सर्विसेज होते हैं। सर्विसेज को आप पकड़ नहीं सकते, ये एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको आप हाथ से पकड़ सकते हैं जैसे कि ये है, इसको टेंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन जो नॉलेज मेरे दिमाग में है जो मैं दे रहा हूं आप समझ रहे हैं वो उसको आप नॉलेज को पकड़ नहीं सकते, इसीलिए इसको कहते हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट। तो टर्शियरी यानी सर्विसेज सेक्टर में इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स का ज्यादातर होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए किसी भी देश का अगर 50% या ज्यादा लोग अगर प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, यानी कि मतलब जमीन में काम करते हैं, अपना खेती हो या फिर दूसरे का खेती हो कहीं पे भी, या फिर वो मतलब हल जोतते हैं जो भी करते हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर 50% या ज्यादा लोग किसी भी देश का काम में लगे हैं तो उस इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाएगा, याद रखिए 50% या ज्यादा, अगर किसी भी देश का 50% या ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर में यानी मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में जिसको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है इसमें लगे हैं तो फिर उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी या फिर डेवलप्ड इकोनॉमी। यानी अगर खेती में लगा है 50% से ज्यादा की लोग उसको कहा जाएगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी जो कि हमारा देश भारतवर्ष है, और सेकेंडरी सेक्टर तभी कहा जाएगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी तभी कहा जाएगा या फिर डेवलप्ड इकोनॉमी तभी कहा जाएगा जब 50% से ज्यादा इस सेक्टर में लोग हैं। और टर्शियरी सेक्टर में क्या कहा जाता है, अगर 50% से ज्यादा लोग मैं कह रहा हूँ ठीक है यहाँ पे आ जाते हैं तो इसको सर्विस इकोनॉमी कहा जा सकता है,
जैसे कि बैंक आपको सर्विस देता है, डॉक्टर साहब आपको सर्विस देते हैं, इंजीनियर साहब ब्रिज बना के सर्विस देते हैं, ये जो सब सर्विसेज होता है इसको कहा जाता है टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी। तो फिर इस हिसाब से हमारा देश का 50% लोग इस सेक्टर में जुड़े हैं, इसलिए हमारा देश प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी है या फिर अंडर डेवलप्ड है। जब भी हमारे देश के 50% से ज्यादा लोग इस सेक्टर में आ जाएंगे तब हम कहेंगे हमारा देश डेवलप्ड हो चुका है, जो कि अभी काफी दूर है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी भी देश का नेशनल इनकम यानी कि जितने भी उस देश का एक साल में इनकम होता है उसका अगर 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर से आता है या फिर सेकेंडरी सेक्टर से आता है या फिर टर्शियरी सेक्टर से आता है, तो हमारा देश का 50% से ज्यादा यानी अगर 1 रुपया हमारा देश का इनकम एक साल में हुआ है, मतलब सारे लोग मिलके सारे सर्विसेज सब कुछ मिलाकर अगर 1 रुपया हुआ है, उसका 50% या ज्यादा यानी 50 पैसे से ज्यादा टर्शियरी सेक्टर से आता है। हमारा देश का जीडीपी का 50% या ज्यादा टर्शियरी सेक्टर से आता है, ये चीज याद रखिएगा। इससे कम सर्विस सेक्टर और बहुत ही कम आता है। अगर देखिए डेटा है, ये सारे डेटा बहुत ही चेंज हो जाते हैं, तो आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे या फिर इंटरव्यू देने जाएंगे तो पिछले मतलब उससे पहले वाले दिन आप कृपया इंटरनेट में सर्च करके इकोनॉमी मतलब ये जो प्राइमरी सेक्टर में से कितना इनकम आता है, सेकेंडरी से कितना परसेंटेज आता है, टर्शियरी से कितना परसेंटेज आता है या इस साल कितना आया है, ये जरा देख लीजिएगा कि ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। देखिए आज 24 मार्च है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग यही नेट पे वीडियो देखेंगे, हो सकता है 6 महीने बाद कोई देखे, 1 साल बाद कोई देखे, तो तब ये डेटा चेंज हो सकता है। तो आप कृपया जरूर पिछले मतलब पहले दिन देख ले, उसके बाद इंटरव्यू या फिर एग्जाम देने जाए। तो अभी हमारा सेक्टर का जीडीपी का ज्यादा 50% से ज्यादा रहता है टर्शियरी सेक्टर से यानी सर्विसेज सेक्टर से। सर्विस मतलब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और यही सॉफ्टवेयर विदेश में एक्सपोर्ट होता है, उसी से हमारा ज्यादातर इनकम आता है, तो उसको टर्शियरी सर्विसेज यानी देखा जाए तो हमारा इकोनॉमी एक तरफ तो एग्रेरियन है क्योंकि 50% से ज्यादा लोग मतलब खेती में लगे हैं, और टर्शियरी भी है क्योंकि हमारा इकोनॉमी का जीडीपी का 50% से ज्यादा इस तरफ से आता है। ठीक है, अब हम आएंगे जीडीपी किसको कहते हैं। ये तो बेसिक कुछ नॉलेज था, अब बेसिक के बाद थोड़ा इंटरमीडिएट और एडवांस की तरफ जाते हैं। जीडीपी यानी देश का, पहले देख लेते हैं जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ग्रॉस का मतलब क्या है, टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और उत्पाद यानी सर्विस होगा या फिर कोई भी चीज बनाया होगा। तो ये जो सारे चीज एक साल में, देखिए जीडीपी इसको कहा जाता है किसी भी एक देश की सीमा के अंदर यानी बाउंड्री के अंदर उस देश में जितने भी लोग हैं सारे लोग मिलके जो एक साल में या फिर सामान बनाते हैं या फिर कोई ना कोई सर्विस देते हैं, जैसे कि टीचर मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई डॉक्टर मरीज देख रहे हैं, ये एक सर्विस है। तो जितने भी लोग को, अगर कोई एक मजदूर या वहां पे मतलब फैक्ट्री में कुछ चीज बना रहा है, तो ये सारे लोग मिलके एक साल में जितने प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं उनका जो वैल्यू है, मतलब कि जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर का फीस है 500 रुपया, तो एक डॉक्टर ने सालों में जितना मतलब मरीज देखे इंटू 500 करके उनका सर्विस मिल जाएगा, उन्होंने कितना कमाया है या फिर उन्होंने कितना मतलब पैसा इकट्ठा किया है। वैसे ही एक फैक्ट्री में कितना सामान बनता है उन सारे सामानों का मतलब जितना प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना वो वैल्यू है, ये सारे वैल्यू मिला के जो मिलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी टोटल घरेलू उत्पाद, इसको कहते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ये कहते हैं। अब एक चीज ये है कि ये सब इतना तक तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, मैं आपको ये एक चीज कहना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें मतलब हम लेंगे, कौन कौन से उत्पाद लेंगे, कौन कौन से इनकम नहीं लेंगे, ये वाला चीज थोड़ा आपको जानना चाहिए। देखिए इनमें हम सिर्फ वही चीजें लेंगे जो फिर हमको काम करने के वजह से मिला है, मतलब कि एक आदमी नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, ठीक है, कहीं पे भी जॉब कर रहा है,
तो उनको तनख्वाह मिल रहा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि जब कोई कोई सरकारी नौकर है, मतलब जो नौकरी खत्म हो गया उसके बाद उनको पेंशन मिल रहा है। देखिए, एक तो जब उन्होंने काम किया था तब उनको जॉब किया था तब उनको सैलरी मिला था, हो गया। अब वो कुछ भी सर्विस नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई जॉब नहीं है, उनका रिटायरमेंट हो चुका है, उनको पेंशन मिल रहा है। पेंशन हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, पेंशन काउंट हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो और फिर जो आता है सीनियर सिटीजन का जो पेंशन दिया जाता है वो नहीं लेंगे। कुछ लोग बेकार होते हैं जिनके पास, मतलब जिनको काम नहीं मिलता है, गवर्नमेंट उसको थोड़ा मतलब वो पैसा देता है, जो लोग बेकार है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, जिनका नाम अभी है, अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने कुछ जो जिन लोगों का नाम मतलब ऐसे ही है एक्सचेंज में है और फिर जॉब नहीं मिला, वो लोग अगर केंद्र सरकार के वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको 1500 रुपये तक महीने का एक मतलब मिलेगा पैसा, वो चीज, यानी उसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम, जो कि ये लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं इससे इनका नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अपना कभी सेविंग किया घर में किया, तो सेविंग जरूर किया मैंने घर में, इसलिए ये ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर यही सेविंग में सैलून या फिर कहीं पे भी करवाता हूँ तो वहां पे जो नाई है या फिर जो मतलब आदमी या जो भी है वो जब करते हैं तो वो सर्विस में ऐड हो जाएगा। बहुत ही डिफरेंस, बहुत ही कम डिफरेंस है, यानी अपना घर में का मतलब दाढ़ी बनाओ तो ऐड नहीं होगा। या फिर मैं अपने भतीजों को कुछ रुपया देता हूँ, 500 1000 कुछ भी हो, तो वो उसने कुछ सर्विस मुझे नहीं दिया है, उनको उसको ऐसे ही मिला है, तो फिर वो काउंट नहीं होगा। जैसे आपके पास एक घर है, मकान है, आपने 5 लाख में खरीदा था, अभी 2 साल बाद उसको आप 15 लाख में बेच रहे हैं, यानी देखा जाए तो आपके जो गेन हो गया है 10 लाख, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये आपने कुछ सर्विस दिया नहीं है। इसको आप कैपिटल गेन कह सकते हैं कि आपका, आपने इन्वेस्ट किया था आपको मिल गया है, तो फिर कैपिटल गेन भी इसमें ऐड नहीं होगा। इसमें सिर्फ वही ऐड होगा जो इस साल पैदा हुआ है और फिर मतलब आपने कुछ सर्विस वगैरह दिए होंगे तो ही ऐड होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जीडीपी काउंट कैसे करते हैं, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। आप एक चीज याद रखिएगा, जीडीपी काउंट करने के लिए एक बेस ईयर होना पड़ता है, इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। एक सिंपल सा बात है कि अगर एक मजदूर या मतलब एक किसान ने 1000 रुपया का गेहूं एक साल में पैदा किया है, मतलब उगाया है, अब एक साल में अगर 1000 रुपये का गेहूँ उसने उगाया है तो उसका मतलब उसका इनकम 1000 रुपये या फिर जीडीपी 1000 रुपया होगा। यही गेहूं को अगर पीसा जाएगा मशीन में तो फिर ये जब आटा बन के आएगा या फिर मैदा बन के आएगा तो इसको कहा जाएगा 1500 रुपये, मतलब कि इसमें थोड़ा 500 रुपये का वैल्यू ऐड हो गया, ठीक है। यही मैदा को अगर हम लोग ब्रेड बनाएंगे तो फिर देखा जाएगा तो उस ब्रेड का कीमत हम लोग एस्टिमेट कर लेते कि 2500 हो गया, देखिए। अगर हम किसान का आमदनी को पकड़ मतलब ऐड करेंगे, फिर ये जो मशीन वाला है जिसने गेहूं को पीसा है उसका ऐड करेंगे या फिर इनका ऐड करेंगे तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा। तो इससे पहले मैं एक चीज बात बताना भूल गया कि जीडीपी कैसे काउंट किया जाता है। जीडीपी काउंट किया जाता है, मैंने पहले बताया था, फिर एक बार बता रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी आदमी हैं उन लोगों ने जितना भी अर्निंग किया है एक साल में वो सारे मिला के जीडीपी हो जाता है। यानी एक किसान है, ये एक मशीन वाला है और एक बेकरी है जहाँ पे ब्रेड मिलता है, तो यानी सारी चीजों को अगर हम मिलाएंगे तो 5000 रुपये का एक इनकम हमें जीडीपी मिलेगा। लेकिन देखिए यही 2500 में 1500 रुपया भी है और यही 1500 में 1000 रुपया भी ऐड हो चुका है, यानी एक ही इनकम हम लोग बार बार काउंट कर रहे हैं। इस चीज से छुटकारा पाने के लिए या फिर ज्यादा या फिर मल्टीपल ना हो जाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को ही ऐड करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट मतलब पहले ये गेहूं था, फिर ये मैदा बना, फिर ये ब्रेड बना। ये जो ब्रेड बना है, ये ब्रेड में ही मैदा और गेहूं का प्राइस एडेड है, इसलिए हम लोग सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट्स है यानी ब्रेड, ब्रेड से कुछ और नहीं बनता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नहीं ब्रेड से तो सैंडविच बनता है, वो बात अलग है, उसको हम नहीं पकड़ेंगे, वो कुछ और चीज है। तो ये जो ब्रेड बना है यही फाइनल प्रोडक्ट हम लेंगे। जैसे कि पहले मतलब जो भी हो, पहले लोहा हुआ, लोहा के बाद उसको मतलब स्टील बनाया, स्टील के बाद जो मतलब थाली बनाया है स्टील का, हम लोग वो स्टील का थाली का प्राइस देखेंगे कि 1 लाख थाली हुआ है या फिर 2 लाख थाली हुआ है, उसका जो प्राइस है उसी का हिसाब से हम लोग जीडीपी काउंट करेंगे। क्योंकि स्टील का प्राइस भी उस थाली के प्राइस में आ जाएगा, उस स्टील बनाने के लिए जो लोहा लगा है उसका भी आ जाएगा स्टील का थाली में, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखिए इसको कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट, या फिर हर एक स्टेज में जो वैल्यू एडेड होता है, तो इसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा जीडीपी कैलकुलेट करना। जीडीपी कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे देखिए अगर हमारे पास 1000 रुपया कोई भी हमारा मतलब देशवासी कमाता है, तो अपने खाने पीने के लिए कुछ खर्च करता है, तो मान लीजिए कि 800 रुपया खाने पीने के लिए उसका खर्च हो गया और 200 रुपया उसका बच गया। हर कोई अपने हिसाब से जितना उसका मतलब होता है वो अपने हिसाब से सेविंग्स करता है। यानी अगर हम ये कंजम्पशन चार्ज और ये सेविंग्स ऐड कर दें तो फिर जीडीपी हो जाएगा। कैसे? एक आदमी जितना खर्चा करता है अपने खाने पीने में और सेविंग्स करता है, यानी कि पूरे इंडिया में जितने आदमी है वो हर आदमी कुछ मतलब खाने पीने में और कुछ सेविंग्स करता है, तो मिल जाएगा जीडीपी। अगर गवर्नमेंट का पूरा इन्वेस्टमेंट देखा जाए, मतलब गवर्नमेंट का जो खर्चा आता है जीडीपी जब गवर्नमेंट कैलकुलेट करता है, तो उसमें कुछ वो सब्सिस्टेंस आ जाता है, मतलब खाने पीने के लिए, और कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये सब भी जीडीपी, मतलब ऐसे मिला के जीडीपी जो होगा और ऐसे फाइनल प्रोडक्ट्स का जीडीपी मिला के भी एक ही चीज होगा। बस 2 या 3 तरीके हैं जीडीपी काउंट करने के लिए। इसको कहते हैं इनकम सेंसस, मतलब जिनका जिसका जितना इनकम हुआ है वो अगर सारी चीजें ऐड कर ले तो भी जो मिलेगा वो भी जीडीपी है। जिसने जितना सेविंग्स किया है और खर्चा किया है वो भी मिला ले तो भी जीडीपी मिलेगा। और फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो मिला है उसको भी ऐड कर ले तो भी हमें जीडीपी ही मिलेगा। ये 3-4 तरीके होते हैं। अच्छा, और एक चीज याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो है कि ये जो मैदा है 1500 का, हो सकता है कि इस साल सिर्फ 750 रुपए का मैदा का ही ब्रेड बना है और 750 रुपए का मैदा हम लोगों ने रख लिया है कि अगले साल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उतना डिमांड है नहीं लगेगा, हो सकता है ऐसा। तो फिर इसका जो चीज इस साल में हम लोगों ने खर्चा किया है, मतलब कि 750 रुपए का मैदा जो है इसको हमने ब्रेड बनाया है, मतलब कि 1500 रुपए मैंने एस्टिमेशन अंदाजे रख लिया, और जो 750 रुपए का मैदा हमने रख लिया है अगले साल के लिए, इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जो भी है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसको कहा जाएगा। इसको हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये अगले साल के जीडीपी में कैलकुलेट होगा। ये चीज बहुत याद रखना, अगर कोयला आता है, मतलब कोयला उत्पाद हो जाता है, उसके बाद कुछ कोयले को जमा के रखा जाता है कि अगले साल में हम खर्चा करेंगे, और उसी कोयले का कुछ पार्ट अगर हमारे खेत में, गांव में, कहीं पे भी अगर उसको जला के खाना बनाया जाता है या फिर कुछ भी काम किया जाता है, तो जो चीज जल गया, खत्म हो गया, वो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। जो चीज रह गया अगले साल के लिए उसको हम जीडीपी में नहीं काउंट करेंगे, उसको इंटरमीडिएटरी या फिर बीच का एक प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। ऐसे भी हम लोग हिसाब लगाते हैं। तो जीडीपी के लिए ये सब चीजें हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, तो कृपया वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख ले। यही एक तरीका है कि आप बार बार कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में आपको कुछ जानना है, तो आप कृपया मुझे इस फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं शाम के 7 से 10 बजे तक। मैं मुझे जितना आएगा और आपके सवाल जो होंगे वो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप ये अगर पूछेंगे कि इस साल और यूपीएससी एग्जाम का कितना कट ऑफ आएगा, मुझे नहीं पता, इस साल कब फॉर्म निकलेगा, मुझे नहीं पता, ये सब सवाल के आंसर मेरे पास नहीं होंगे। लेकिन इकोनॉमी रिलेटेड, क्लास रिलेटेड कुछ अगर पूछेंगे तो मेरे पास जानकारी होगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, और एक चीज आप जीडीपी के बारे में देख लीजिए,
वो है बेस ईयर। ये बेस ईयर क्या है, इसका क्यों जरूरत होता है? देखिए क्या होता है कि हर साल सामान का मतलब कीमत बढ़ते जाता है, तो हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा देश का वाकई ही प्रोडक्शन बढ़ गया है कि उसका मतलब अच्छा हुआ है क्या वो बुरा हुआ है। मतलब मान लीजिए कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश का उन्नति होगा, और नहीं बढ़ेगा तो मतलब पीछे जाएगा देश। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हम हर साल जो इकोनॉमी के जीडीपी काउंट करते हैं उसके लिए एक बेस ईयर या फिर जो मतलब धारक वर्ष हम ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी बेस ईयर 2017 हमने ले लिया। अब ये 2017 फॉलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद अभी 2014-15 करता है। ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब भी आप एग्जाम देने जाएं या फिर इंटरव्यू देने जाएं, तो उससे पहले वाले दिन ये बेस ईयर कौन सा गवर्नमेंट मानता है ये जरा आप देख लें, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट चेंज करते रहता है। तो हम लोगों ने बेस ईयर का प्रोडक्ट 17 में ले लिया है, और ये समझाने के लिए, वैसे तो इंडिया में करोड़ों प्रोडक्ट्स या करोड़ों सर्विसेज मिलते हैं, लेकिन हम समझने के लिए एक मतलब फर्ज कर लेते हैं कि एक साल में इंडिया में सिर्फ 5 किलो आलू यानी पोटैटो, 5 किलो का आलू का आलू उगा है एक साल में। अब 2017 में आलू का 1 किलो का प्राइस था 10 रुपए, मतलब फर्ज कर लेते हैं, यानी कि हमारा जीडीपी कितना हुआ है, प्रोडक्ट उसका दाम से गुण मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये हो गया है 50 रुपए हमारा जीडीपी हो गया है 2017 में। अब 2018 में हम मान लेते हैं कि आलू 5 किलो ही हुआ है या फिर 6 किलो हुआ है, लेकिन 2018 का प्राइस हो गया है 15 रुपए किलो, मतलब भाव बढ़ गया है। यानी कि आप देखा जाए तो हमारा जीडीपी इस साल हो गया है 90 रुपीज का, पिछले साल 50 था, इस साल 90 रुपीज हो गया। तो देखिए हर साल सामान का भाव बढ़ता है या फिर घटता है, शायद घटते कम ही है बढ़ते ज्यादा है, तो इससे ना एक नॉर्मल हिसाब नहीं मिलता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये फॉलो नहीं किया जाता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और देश में क्या फॉलो किया जाता है कि ये जो मतलब प्राइस है बेस ईयर 2017 का, यही प्राइस से हम 2018 में जितना प्रोडक्ट पैदा हुआ है मतलब उगाया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं जरा, यानी 6 किलो के साथ हम 2017 में 10 रुपया था यानी 60 रुपीस हुआ है। बेस ईयर की प्राइस को लेके अगर हम करंट ईयर की प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे जो जीडीपी मिलेगा वो होगा रियल जीडीपी, क्योंकि देखिए प्राइस सेम है, प्रोडक्शन 5 किलो था 6 किलो हुआ है, यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोगों का जीडीपी कितना बड़ा है 10 रुपए। किस हिसाब से कि बेस ईयर दोनों का सेम है, यानी कि देखा जाए 10 रुपए बढ़ गया है, पहले 50 था अभी 60 है, 10 रुपए बढ़ा है कितने रुपए पे, 50 रुपए पे, पिछले साल 50 रुपए जीडीपी था उस पे 10 बढ़ा है। और अगर हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश का जीडीपी 20% बढ़ गया है, यानी 20% इसका जीडीपी बढ़ गया। अच्छा, इसको कहते हैं जीडीपी ग्रोथ, यानी कि कभी कभी आरबीआई अपना निकालता है कि इस महीने का इस क्वार्टर में मतलब क्वार्टर मतलब 3 महीने में पिछले साल के हिसाब से जीडीपी 7% ज्यादा बढ़ा है। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है, आशा जताई है कि इंडिया का जीडीपी 8% तक बढ़ेगा। ये जो फोरकास्ट होते हैं मतलब कि पिछले बेस ईयर के हिसाब से जो प्रोडक्शन था इस साल भी बेस ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन 8% बढ़ेगा। इंडिया एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है, इसमें लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे हिसाब करके निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये जो हमने बेस ईयर के हिसाब से निकाला है इसको कहते हैं रियल नेशनल इनकम रियल जीडीपी, क्योंकि ये बेस ईयर सेम है। और अगर हम किसी भी साल 2018-19-20 किसी भी साल का अगर उसी साल का प्राइस से मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकालते हैं तो उसको कहते हैं मनी नेशनल इनकम।
मनी नेशनल इनकम। मनी नेशनल इनकम उनको कहा जाता है जो उसी साल किसी साल के प्रोडक्ट को उसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो जीडीपी निकलेगा, और रियल नेशनल इनकम उसको कहा जाता है जो बेस ईयर के प्राइस से किसी भी आने वाले साल के उत्पाद को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, उसको कहते हैं रियल नेशनल इनकम। ठीक है, यही दोनों चीजें हैं, आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। अच्छा, और एक चीज मैं आपको जीडीपी कैलकुलेशन के बारे में बताना चाहूंगा, एक है फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी और एक है मार्केट प्राइस पे जीडीपी। फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग 5 किलो आलू ले लेते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल है, ये 5 किलो आलू मतलब उगाने में जो फिर जो बीज लगा है, जो मतलब फर्टिलाइजर वगैरह लगे हैं, ये सब जो चीजें लगे हैं, ये सब चीजों का जो खर्चा आता है, और इसमें जो भी होगा मतलब किसान का अपना थोड़ा प्रॉफिट भी लग जाएगा, तो इसको कहते हैं जीडीपी का, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और यही मतलब 5 किलो आलू का 10 रुपए यानी 50। देखिए ये जो मार्केट में 50 रुपए में बिका है, इसमें ना गवर्नमेंट टैक्स लेता है, सेल टैक्स, अभी तो जीएसटी आ चुका है, स्टेट जीएसटी या फिर सेंट्रल जीएसटी दोनों एक साथ लगते हैं, तो ये जो टैक्स इसमें इंक्लूडेड है, इसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। समझ लीजिए, गवर्नमेंट का टैक्स लग गया है, जो मार्केट में प्राइस है उसी हिसाब से काउंट करेंगे तो इसको कहेंगे जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, और अगर टैक्स के हिसाब, टैक्स के बिना अगर हिसाब करेंगे तो उसको कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आप कभी भी कुछ भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का जो टीवी टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट आता है, यानी इसको कहते हैं टीवीसी टेलीविजन कमर्शियल्स, वहां पर देखेंगे नीचे स्क्रीन में लिखा होता है कुछ भी प्राइस हो 5 लाख, और फिर स्टार दिया जाता है, स्टार में क्या लगता है एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस मतलब क्या है कि अभी इस पे टैक्स नहीं लगाया है, ये जो कंपनी प्राइस दिखा रही है ये कंपनी का उसको बनाने में खर्चा जो आया है एक्स, अब जब वहां पे आप जाएंगे इसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा 18% 20% जो भी है जीएसटी लगेगा, तो उसके ऊपर जो है इंश्योरेंस वगैरह वो सारी चीजें अलग है, तो एक शोरूम प्राइस मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो पूरे वर्ल्ड में जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हिसाब किया जाता है, और अभी एक नया सीरीज भी आ चुका है जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये सब चीजें मिला के अभी जीडीपी बनाया जाता है। तो और दो चार थोड़ा कॉन्सेप्ट जरा देख लेते हैं, जीडीपी एनडीपी जीएनपी एनएनपी ये सब क्या होता है। तो ये जीडीपी ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ये फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, ये सब हिसाब किया जाता है। आपको तो पता ही है जीडीपी है मतलब कि एक देश के अंदर में जितने भी लोग हैं उन लोगों ने एक साल में मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर अभी गवर्नमेंट मतलब हमारे देश में अभी भी 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक माना जाता है, और इसको अभी के जो सरकार है वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एक ही साल में ये हो जाए, तो इसलिए अभी पहले बजट पेश होता था February 28 को, अभी February 1 को इस साल बजट पेश हो, इस साल यानी 2018 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि ये जनवरी में आ जाए। तो जीडीपी एक साल में जितना सर्विसेज या प्रोडक्ट मतलब लोग बनाते हैं उसी को जीडीपी कहते हैं, लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में चीजें बनते हैं जैसे कि ये वाला, जब लिखता हूँ तो ये घिस जाता है, ये बोर्ड भी खराब हो जाता है, तो यानी कि ये सारी चीजें धीरे धीरे मतलब खत्म होते थे। तो बहुत सारे बड़े बड़े मशीन्स हैं उनमें बॉल बेयरिंग या फिर कुछ सामान टूट गया, कुछ हैंडल या लीवर
नष्ट हो गया तो फिर वो मशीन्स काम नहीं करेंगे, उनके लिए थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट आता है। मतलब वो बॉल बेयरिंग लाना पड़ता है, लुब्रिकेटिंग के लिए ग्रीस वगैरह लगाना पड़ता है, या फिर मोबिल लगाना देना पड़ता है, वो सारे सारी चीजें। तो जीडीपी से हम वो खर्चा अगर निकाल देंगे, डेप्रिसिएशन कहते हैं उसको, जीडीपी मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब मैंने आपको समझा दिया है जो चीज मतलब मशीन से खराब हो जाते हैं। जब आप कोई गाड़ी चलता है तो उसका टायर धीरे धीरे घिस जाता है। एक गाड़ी का मतलब छोटा मोटा मारुति 800 हो या फिर ऐसे छोटा मोटा गाड़ी का एक साल में चार टायर उसको बदलना पड़ता है क्योंकि टायर बहुत ही घिस जाता है। तो उसका जो खर्चा आता है या फिर कुछ भी हो, तो डेप्रिसिएशन अगर हम लोग निकाल देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट मतलब बिल्कुल मतलब खर्चा निकालते हमारा, क्योंकि ये खर्चा भी तो हमें करना पड़ेगा वरना तो मशीन अगले साल नहीं चलेगा। तो वो मशीन निकालने के बाद नेट ग्रॉस मतलब टोटल था, अभी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। अब जीएनपी क्या है, देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखिए कुछ ऐसा है, हमारे इंडियंस भाई बंधु बहुत सारे हैं जो विदेश में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, यूके मतलब ये, या फिर कहीं पे भी रहते हैं, केनिया में रहते होंगे, तो जहां पे भी जितने रहते हैं, हमारा जीडीपी का मतलब जो डेफिनेशन है उसमें आता है कि एक साल में हमारे देश के नागरिकों ने जितना इनकम किया है। तो यानी कि जीएनपी जो है उसमें ना वो जो विदेश में भारतीय रहते हैं या फिर विदेश से जो रुपया हमारा यहाँ पे आता है उसको हम जीएनपी में कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि जीडीपी हो गया हमारा, उसके साथ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश। तो हमारा जो जीडीपी है उसके साथ अगर हम विदेश में जो लोग इंडिया में मतलब इंडिया के विदेश में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी तनख्वाह या फिर अर्निंग इसमें ऐड कर लेंगे तो इसको कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब कुछ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो विदेशी हैं, इंडिया में काम करते हैं, तो उनका भी हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। मतलब कुछ लोग बैंगलोर में आप जाएंगे या फिर दिल्ली में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो विदेशी हैं, इंडिया में अभी काम कर रहे हैं, कुछ भी हैं, तो उनका सैलरी यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, इनकम ऑफ फॉरेनर्स, जो इनकम हमें मिलेगा वो जीएनपी कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हुआ है मतलब जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स, इससे अगर हम यही इससे अगर हम निकाल देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि जीडीपी बनाने के लिए डेप्रिसिएशन तो होगा ही, यानी जीडीपी से डेप्रिसिएशन निकाल दिया, उसके साथ विदेश में जो इंडियंस रहते हैं उनका इनकम ऐड कर लिया, और उससे जो लोग इंडिया में हैं विदेशी बाहर अपने पैसे मुल्क में भेजते हैं उनका निकाल दिया, तो फिर हमें जो मिलेगा उसको हम कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। शायद आपके लिए पहली बार हो या फिर आपको बहुत सारे हमने ये पढ़ लिया है, जो भी है आप कृपया इसको देख लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो रिवाइंड कर लीजिए। तो ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम या फिर हम एनआई में उसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं। तो फिर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब नेशनल इनकम जो है जितना भी रुपया है उसको हम अपने पूरे देश में जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। अभी 130 करोड़ हम लोग मतलब मान के चलते हैं, तो फिर जो इनकम मिलेगा उसको कहते हैं पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब हर आदमी का मतलब एक एवरेज में कितना इनकम आता है, अभी के हिसाब से मतलब कुछ कम या ज्यादा होगा। इंडिया का पर कैपिटा इनकम है $5,000, $5,000 यानी $1.63 करके आता है, तो जितने भी लोग हैं उस हिसाब से $5,000 इंडिया का जीडीपी है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, इंडिया में जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं जैसे कि
फैक्ट्रीज के मालिक हैं या फिर बड़े बड़े मोबाइल कंपनीज के या फिर बैंक्स वगैरह चलाते हैं, जो भी जितने भी मतलब इंडस्ट्रियल फैमिलीज हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ फैमिली तो ये सारे इंडस्ट्री माइनिंग सेक्टर तो कंट्रोल करता है। अगर हम इससे उनका मतलब कि जो नेशनल इनकम से अगर उस फैक्ट्री उस फैमिली लोगों की इनकम को हम मतलब निकाल देंगे तो हमारा जीडीपी आ जाएगा $1,200 के हिसाब से। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि देश के जो 95% इनकम होता है वो 5% लोग कर लेते हैं। देश के 95% इनकम यानी 100 रुपये में 95 रुपीज सिर्फ 5% लोग कमा लेते हैं और बाकी 95% लोग 5% जीडीपी कमा लेता है। ये याद रखिएगा, ऐसे चलता है। तो पर कैपिटल इनकम भी आ गया है और इसके ऊपर अगर टैक्स लग जाएगा तो वो तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब मार्केट प्राइस में जीडीपी हो जाएगा या फिर मतलब टैक्स नहीं जाएगा तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐसे ही होता है। आपको अगर कुछ सवाल या फिर कुछ जानना है तो आप कृपया शाम को 7 से 10 बजे तक इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है, कोई खर्चा नहीं लगेगा। ये वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।